ट्यूब की प्रेगनेंसी और टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी, ये दोनों ही बातें सुनने में काफी हद तक एक जैसी लगती हैं, पर वास्तविकता में इनके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इन टॉपिक्स पर उनसे बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी या ट्यूब की प्रेगनेंसी के बारे में पेशेंट को समझाते हैं, तो पेशेंट सही ढंग से डॉक्टर की बात नहीं समझ पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आने वाले फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है, आज हम जानेंगे कि ट्यूब की प्रेगनेंसी और टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी, इन दोनों बातों का क्या मतलब है और इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्यूब की प्रेगनेंसी क्या होती है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो शायद आप समझ गए होंगे कि ट्यूब की प्रेगनेंसी का क्या मतलब है। पिछले वीडियो में मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कंडीशंस में, यानी आमतौर पर प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है। मेल पार्टनर से जो स्पर्म आता है वो फीमेल के यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। फेलोपियन ट्यूब के दूसरे छोर पर जो अंडाशय यानी ओवरी होती है, वहां से फीमेल का अंडा रिलीज होता है। फेलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और अंडा एक दूसरे से मिलते हैं और भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एम्ब्रियो का निर्माण तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, पर उसकी बढ़त फेलोपियन ट्यूब में नहीं होती। एम्ब्रियो बनने के बाद अगले कुछ दिनों में एम्ब्रियो उल्टे रास्ते फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है और यूट्रस के अंदर जाके चिपक जाता है, और अगले 9 महीने में यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर ही एम्ब्रियो की बढ़त होती है और धीरे धीरे वो एक पूर्ण शिशु का स्वरूप ले लेता है। यही वजह है कि आम भाषा में गर्भाशय को बच्चादानी भी कहा जाता है। प्रकृति ने गर्भाशय यानी बच्चेदानी को एक विशेष ताकत दी है, यानी सुपर पावर दी है। वक्त के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता है, वैसे ही गर्भाशय भी उसी अनुपात में अपना साइज बढ़ा सकता है। यानी टाइम के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, गर्भाशय भी उसी प्रपोर्शन में बड़ा होता जाता है। बलून की तरह यूट्रस अपना साइज बढ़ा लेता है, और एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे गर्भाशय सिकुड़कर अपने नॉर्मल साइज पे वापस आ जाता है। 100 में से करीब 2-5% केसेस में प्रेगनेंसी कुछ अलग ढंग से ठहरती है। इन केसेस में एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब में बन तो जाता है, पर फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता। रास्ते में कुछ अवरोध हो सकते हैं या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एम्ब्रियो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और यूट्रस के बाहर ही आसपास किसी और हिस्से में जाकर चिपक जाता है और वहीं इसकी बढ़त होने लगती है, और इन केसेस को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। यानी नॉर्मल केसेस में प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर होती है, पर 2-5% केसेस में प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर होती है और इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाएगा। 90% केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है और इसे हम ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब की प्रेगनेंसी बुलाते हैं। चलिए समझते हैं अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर जाए तो क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली ट्यूब के पास यूट्रस जैसी सुपर पावर नहीं है, यानी जरूरत के हिसाब से ट्यूब का साइज नहीं बढ़ सकता। इसलिए एम्ब्रियो की ग्रोथ अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है तो अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा, एक पॉइंट आएगा जब ट्यूब फट जाएगी, और फेलोपियन ट्यूब के फटने की वजह से बहुत सारी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है। कुछ केसेस में बहुत अधिक रक्त के रिसाव की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, यानी शरीर के महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर सकते हैं और ये कंडीशन जानलेवा हो सकती है। यानी ट्यूब में होने वाली प्रेगनेंसी एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। कभी भी अगर आपको लगे कि आपके आसपास किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज अगर टाइम से हो जाए तो इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, पर अगर इलाज में देरी हो जाए तो ये कंडीशन जानलेवा हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण और डेंजर साइंस क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को मैंने अपने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अब तक आप समझ गए होंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी क्या है।
टेस्ट ट्यूब। ये शब्द सुनकर शायद आपको कुछ याद आया होगा। आप में से जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं उन्होंने शायद स्कूल के दिनों में टेस्ट ट्यूब देखी भी होगी और शायद उसका इस्तेमाल भी किया होगा। टेस्ट ट्यूब एक कांच का बना हुआ उपकरण है जिसे हम अपने केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम विभिन्न प्रकार के केमिकल्स डालते हैं जिनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है और हमारा केमिकल एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है। और इस टेस्ट ट्यूब से ही टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी फ्रेज आया है। तो चलिए समझते हैं आखिर टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी क्या है। टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी और ट्यूब में होने वाली प्रेगनेंसी, ये दोनों बेहद अलग अलग कंडीशंस हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि ट्यूब में होने वाली प्रेगनेंसी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये एक ग्रेव मेडिकल इशू है जिसमें तुरंत इलाज की जरूरत है। पर टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये एक तरह का इलाज है। दुनिया भर में करीब 20% कपल्स इनफर्टिलिटी से गुजरते हैं। हस्बैंड और वाइफ अगर एक साल से ज़्यादा साथ रह चुके हों और उसके बाद भी उन्हें प्रेगनेंसी न ठहरे तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे केसेस में डॉक्टर सबसे पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कुछ जांचें करते हैं और उन जांचों के रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का इलाज होता है। अधिकतर केसेस में दवाइयों और इंजेक्शन से ट्रीटमेंट हो जाता है, बच्चा ठहर जाता है। पर कुछ केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती और ऐसे केसेस में हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF का सुझाव देना पड़ता है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक एडवांस मेडिकल टेक्निक है, ये एक बहुत ही रीसेंट एडवांसमेंट है जिसकी मदद से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चलिए बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में संक्षेप में समझते हैं कि IVF में हम क्या करते हैं। सबसे पहले फीमेल पार्टनर को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनकी मदद से उनका अंडा सही तरह से बनता है। फिर निर्धारित दिन पर फीमेल पार्टनर को अस्पताल बुलाया जाता है। वहाँ एक सरल मेडिकल प्रोसेस की मदद से एनेस्थीसिया देने के बाद अंडाशय से उनके अंडे निकाल लिए जाते हैं। मेल पार्टनर से भी उनके स्पर्म ले लिए जाते हैं। एडवांस्ड एम्ब्रियोलॉजी लैबोरेटरी में एक डिश के अंदर इन एग्स और स्पर्म्स को एक साथ रख दिया जाता है जहाँ वो आपस में मिलते हैं और एक एम्ब्रियो बनाते हैं। अगले कुछ दिनों तक हम अपनी लैब में उस एम्ब्रियो को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है तब उस एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और अगले 9 महीने में उस एम्ब्रियो की ग्रोथ मदर के यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर ही नॉर्मल नेचुरल ढंग से होती है और एक बच्चा बन जाता है और 9 महीने के अंत में उसकी डिलीवरी हो जाती है। यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत की जो प्रक्रिया, जो शुरुआती स्टेप्स, मदर के फिलोपियन ट्यूब और यूट्रस में होने चाहिए। यानी एग और स्पर्म के मिलने से फिलोपियन ट्यूब में जो एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो अगले कुछ दिनों में यूट्रस तक पहुंच जाता है और वहां जाकर चिपक जाता है। ये वाले शुरुआती स्टेप्स जो नेचुरल कंडीशंस में मदर के फिलोपियन ट्यूब और मदर के यूट्रस में होते हैं, IVF की प्रक्रिया में ये वाले स्टेप्स हमारी लैबोरेटरी में एक डिश में होते हैं और एक बार जब एम्ब्रियो बन जाता है उसे वापस मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है और फिर आगे की सारी प्रक्रिया नॉर्मल तरीके से ही चलती है। IVF की ये प्रक्रिया जो हमारी लैब में होती है, काफ़ी हद तक ये हमें हमारे बचपन के केमिस्ट्री लैब की याद दिलाती है और इसी वजह से आम भाषा में इसे टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी कहा जाता है और IVF से जो बच्चे बनते हैं उन्हें आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। IVF एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और जो कपल्स इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं, जिनमें कोई भी प्रोसीजर काम नहीं आ रहा, जिनमें कोई भी इलाज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, उनमें अक्सर IVF सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इस फील्ड में अभी भी रिसर्च चल रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसका सक्सेस रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। आशा है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी और ट्यूब में होने वाली प्रेगनेंसी में क्या अंतर है। जहाँ ट्यूब की प्रेगनेंसी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, वहीं टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी एक दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपसे इन टॉपिक्स के बारे में बात करें, आपसे ट्यूब पे होने वाली प्रेगनेंसी या टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करें, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ट्यूब की प्रेगनेंसी और टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी, इन दोनों ही टॉपिक्स को मैं अपने आने वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगी और आपकी हेल्थ से रिलेटेड और कॉमन टॉपिक्स को, कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अपने डाउट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हमारे चैनल सर्जी वाइज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।